डिप्टी मनीष चौधरी ने यातायात तथा पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को यातायात पुलिस कर्मियों के साथ श्री मेगा हाईवे से लेकर चांगेर क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी चौधरी ने होटल विनोद के यहाँ SBI, HDFC बैंक, कोटा कचोरी वाले तथा पास में स्थित दुकानों के बाहर अव्यवस्थित खड़े वाहनों को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान डिप्टी चौधरी ने बैंक वालों तथा दुकानदारों को सिंगल लाइन में वाहनों को खड़ा करवाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर दुकानों के बाहर अव्यवस्थित वाहन खड़े दिखाई दिए तो उनके खिलाफ तो कार्यवाही की जाएगी ही और संबंधित दुकानदार के खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बैंक वालों को भी चेतावनी दी है कि ग्राहकों के वाहन सिंगल लाइन में व्यवस्थित रूप से खड़ा करवाने की स्थायी व्यवस्था करवाई जावे, अन्यथा पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों की जब्ती की जाएगी। इस दौरान यातायात पुलिस कर्मियों ने बेतरतीब खड़े वाहनों को वहां से हटवाया। इसी प्रकार डिप्टी चौधरी ने सिटी सिनेमा, BL टावर सहित आगे ऐसे दुकानदारों को भी अपने कर्मचारियों तथा ग्राहकों के वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करवाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। इसी प्रकार सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े हाथ ठेले वालों को भी खदेड़ते हुए निर्धारित स्थान तथा सीमा में खड़े होने की चेतावनी दी। मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की आप सभी शहर व ग्रामवासियों को भाजपा नेता बाबू सिंह चौहान, नंद्रीमय रतान की ओर से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं।